हेलो नमस्ते सलाम वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके हमारी लाइफ से आजकल क्या गायब है? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट जी, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, इसीलिए तो अपन यहां आते हैं ताकि एंटरटेनमेंट की दुनिया के क्या गॉसिप्स चल रहे हैं आपको बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सफर। बॉलीवुड के फेमस कपल रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी 21 फरवरी को गोवा में शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शादी के बाद ये कपल अमृतसर के फेमस गोल्डन टेंपल पहुंचे थे और वहां मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया था। अब दोनों गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे, उनके साथ पूरा परिवार भी नजर आया। दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आपको बता दें, दोनों कपल शादी के बाद परिवार के साथ भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। इनकी शादी का जश्न 3 दिन तक चला था। वेडिंग फंक्शन में टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर सहित कई फिल्मी सितारे शामिल हुए थे। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को लेकर बीते काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि वो जल्द ही आशिकी 3 में नजर आने वाले हैं, और खबरें ये भी थी कि फिल्म आशिकी 3 को टी सीरीज बना रही है। लेकिन अब कार्तिक की फिल्म आशिकी 3 शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। दरअसल टी सीरीज ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि उनकी कंपनी टी सीरीज आशिकी की फ्रेंचाइजी के प्रोडक्शन या डेवलपमेंट के काम से नहीं जुड़ी है। इन खबरों को टी सीरीज ने महज अफवाह बताया है। अपने स्टेटमेंट में कंपनी ने ये साफ किया है कि अगर फ्यूचर में उनकी कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है तो टी सीरीज इसे जॉइंट ओनर के तौर पर विशेष फिल्म्स और मुकेश भट्ट के साथ मिलकर बनाएगी। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म पुष्पा के जरिए ऐसा धमाका किया कि अब फैंस को इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पुष्पा 2 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। फिलहाल फिल्म के प्रोडक्शन का काम जोरों शोरों के साथ जारी है। तो वहीं इसको लेकर एक और धमाकेदार खबर सामने आई है। बीते दिनों पहले खबर आई थी कि पुष्पा 2 में जानवी कपूर की एंट्री होने वाली है, तो अब खुलासा हो गया कि उनका अल्लू अर्जुन की फिल्म में क्या रोल होगा। फिल्म मेकर्स ने जानवी कपूर को पुष्पा 2 के एक सेगमेंट के लिए कॉन्टेक्ट किया। ऐसी खबरें हैं कि मेकर्स ने जानवी कपूर से फिल्म के स्पेशल गाने में एक्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट किया है। हालांकि मेकर्स या फिर जानवी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बीटाउन के वेडिंग सीजन में अब एक और एक्टर के घर शहनाई बजने जा रही है, पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा। हाल ही में सगाई की फोटोज सामने आई थी, अब दोनों ने शादी की डेट भी बता दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट के शादी का कार्ड लीक हो गया है। इस कार्ड में कपल का कोलाज है और उसमें लिखा है, अपने लोगों के साथ जश्न मनाने के लिए और सब्र नहीं कर सकते, पुलकित और कृति को ढेर सारा प्यार। इसके साथ ही दोनों की वेडिंग डेट भी रिवील कर दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो पुलकित और कृति 13 मार्च 2024 को शादी कर सकते हैं। उन्होंने एक फोटो डाला, साथ में लिखा, हाथों में हाथ डालकर और मार्च में साथ चले। पुलकित सम्राट की ये दूसरी शादी होगी, पहली उन्होंने सलमान की मुंह बोली बहन से की थी। वैसे 30 जनवरी को कृति और पुलकित ने रोका सेरेमनी कर ली थी। एंटरटेनमेंट के लिहाज से मार्च का महीना शानदार साबित होने वाला है। इस महीने एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले इमरान हाशमी की शो टाइम है, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है आज। वहीं पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूं 14 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर आने वाली है। सारा अली खान की ए वतन मेरे वतन 21 मार्च को अमेजोन प्राइम वीडियो पर आएगी। तो वहीं सारा की मर्डर मुबारक भी 15 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। वेल दैट्स इट फॉर नाउ इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। बाकी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को।